हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में, जो कि मेड प्लस कर रहा है ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन तो इसका बहुत ईजी दिया है कि अगर आप BSc BCA के स्टूडेंट हैं या फिर BE BTech के हैं या फिर MEM Tech के हैं या फिर MSc के हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि क्वालिफिकेशन यहाँ मायने नहीं रख रहा है। यहाँ आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपके कोडिंग स्किल और एनालिटिकल स्किल आपके पास कितना है उसके बेस पे होने वाला है। तो देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका कुछ अदर MNC कंपनी से थोड़ा टफ है, क्योंकि राउंड फर्स्ट में ये रिटन टेस्ट ले रहा है। रिटन टेस्ट भी दो सेक्शन में ले रहा है। सेक्शन एम आपका जो नॉर्मल MNC कंपनी का होता है, जनरल एप्टीट्यूड लॉजिकल न्यूमेरिकल, वही होने वाला है। बट उसमें कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यानी कि कुछ लॉजिकल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है उसमें इंक्लूड रहेगा। और सेक्शन बी में आपको 2 से 3 प्रॉब्लम होगा कोडिंग का, जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड राउंड होगा जो कि आपका HR असेसमेंट राउंड होगा। ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। और अदर डिटेल के लिए मैं वेबसाइट पे आपको ले जा रहा हूँ। देखिए ये वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट वेबसाइट पर आ सकते हैं। जिसका सैलरी काफ़ी अच्छा है, अब आपका सिलेक्शन होता है तो देख रहे हैं 5.5 लाख पर NM आपको मिलने वाला है। और इसमें टोटल स्किल्स के बारे में दिया हुआ है कि आपको क्या क्या स्किल्स की जरूरत चाहिए, इसको आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चन भी दिया गया है। देखिए सिंपल क्वेश्चन आपका सेक्शन ए का है, सेक्शन बी का नहीं दिया। सेक्शन ए का जो नॉर्मल था यहाँ पे दिया हुआ, जिसमें कि एक बात है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है और इच क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाला। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।